हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की हाई थिंकिंग में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आएगी। तो चलिए आज बनाते हैं सुपर सॉफ्ट इडली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कप उड़द दाल, दो कप चावल लिया जिसे मैंने रात को पानी में सोख करके रख दिया था। उड़द दाल को सोख करते वक्त इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना भी सोख कर दिया था। राइस हमने जो डेली यूज़ में लेते हैं वही राइस मैंने यूज़ किया है इडली के लिए। अब यहाँ मैंने मिक्सर जार लिया है, अब इसमें दाल और चावल को ऐड करेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दाल को ग्राइंड करेंगे, दाल चावल दोनों को अलग अलग ग्राइंड करना है। दाल का पेस्ट जो है वो एकदम फाइन होना चाहिए और चावल का थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, इसलिए हम दोनों को अलग अलग ग्राइंड करेंगे। इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड करेंगे। अब हम दाल को ग्राइंड कर लेंगे। तो दाल का पेस्ट हमारा बन गया है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इस स्पैचुला की हेल्प से हम दाल को बाउल में निकाल लेंगे। तो दाल का पेस्ट हमने निकाल लिया, अब इसी ग्राइंडर में हम अपने चावल को ग्राइंड करेंगे। तो मैं सारे चावल का एक साथ पेस्ट बनाऊंगी, आप थोड़ा थोड़ा करके भी अलग बना सकते हो। चावल को ग्राइंडर में ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, चावल को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो चावल का पेस्ट भी हमारा बन गया है। तो चावल की पेस्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी दरदरी होनी चाहिए। तो इसी दाल वाले बाउल में अब अपना चावल वाला पेस्ट ऐड करेंगे। तो चावल के पेस्ट को भी हम स्पैचुला की हेल्प से निकाल लेंगे। तो सारा पेस्ट हमने निकाल लिया था, जो ग्राइंडर में थोड़ा सा पेस्ट लगा था उसमें पानी डालकर हम इसमें फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इडली बैटर को स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे। इडली बैटर को मिक्स करने के बाद इसे एक प्लेट से ढककर 5-6 घंटे के लिए धूप या किसी वार्म जगह में फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। तो मैंने इडली बैटर को 5-6 घंटे के लिए धूप में रख दिया था, तो फर्मेंट हमारा अच्छे से हो गया है बैटर का, अब इससे हम इडली बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा इडली बैटर कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एल्युमिनियम का इडली स्टैंड लिया, अब इसे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें इडली बैटर फिल करेंगे। तो एक एक लैडल भर के इडली बैटर को फिल करेंगे। इसी तरह हम अपने दूसरे स्टैंड में भी इडली बैटर को फिल कर लेंगे। तो लो फ्लेम पे इडली मेकर में पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें इडली स्टैंड रखेंगे। दोनों इडली स्टैंड रखने के बाद इसे लिड से कवर करके 15-20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। यहाँ मैंने 16 इडली बनाई है। तो 20 मिनट के बाद इडली को चेक करेंगे। तो इडली हमारी अच्छे से स्टीम हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो नाइफ की हेल्प से हम सारे इडली को डीमोल्ड कर लेंगे। तो इडली हमारी सारी इजली डीमोल्ड हो गई है। और फ्रेंड्स, देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट बनी है हमारी इडली। तो सारी इडली को डीमोल्ड कर लेंगे, उसके बाद एक ट्रे में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इडली को मैंने सांभर के साथ, कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया है। इसे मैंने ऑलरेडी पहले बना कर रख लिया था। तो साथ में मैंने इसी बैटर से 1-2 डोसा भी बनाया। तो गैस की फ्लेम पे तवा मैंने रख दिया था, गर्म हो गया है। तवे के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे वाइप कर लेंगे। तो अब तवे के ऊपर 1 लैडल भर की बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब डोसे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये नॉनस्टिक बिग साइज का तवा है, इसलिए तवे को मूव करते हुए डोसे को अच्छे से सेकेंगे। तो डोसा हमारा अच्छे से सेक गया है, अब इसे फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह हम अपना दूसरा डोसा भी बना लेंगे। तो 1 लैडल भर के बैटर डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे।
तो दूसरा डोसा भी हमारा बन गया है और क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स, डोसा भी हमारा बन गया, इडली भी हमारी बन गई। तो इसे अब हम सांभर के साथ और कोकोनट चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी इडली की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर इस तरह से इडली बनाएंगे तो आपकी इडली सुपर सॉफ्ट बनेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। देन आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।